एलआईसी, तेरे पापा को शक हो गया है। मम्मी पर पापा कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से क्या हो गया उन्हें? अरे वो दीक्षित भाई साहब है ना, उन्होंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया और उनके पेट में पता नहीं जनानियों जैसा क्या दर्द उठा, सारी बात उन्होंने तेरे पापा को बता दी। कि दीक्षित अंकल भी ना, तभी मैं सोचूं कि इनकी बीवी ने छोड़ के क्यों भाग गई, क्योंकि एक घर में दो बहुएं तो साथ में नहीं रह सकती ना। एलआईसी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हम ये बहाना मार के आए हैं लुक्का छिपी का, आपको लगता है वो मानेंगे? कौन जीजा जी, रहने दीजिए आप, इस दीक्षित अंकल को नहीं छोड़ूंगी मैं। अपना बेटा तो संभलता नहीं है, मोहल्ले भर की चुगली लगाते भरते हैं हर जगह। किस किस का गला दबाएगी? मुझे तो डर है, पता नहीं तेरे पापा क्या करेंगे। अरे हमें तो पहले ही सेठ जी का प्यार हजमी ना हो रहा था। सेठ जी माँ कंजूस आदमी यार, चबन्नी खर्च करने में उनकी जान निकलती। आज वो फिल्म दिखा रहे हैं, समोसा खिला रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लगा यार। अब पिंटू नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब शेर जी का जो कर रहे थे ना, उससे मैं सतर्क हो गया। अजीब तो मुझे भी लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि शायद उनका मूड हो गया हो कि फिल्म देखने जाए। फिलहाल तो एलआईसी जी हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सेठ जी ना हमारी लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है आंटी जी, ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम कोई खतरनाक मतलब जुर्म करके आए हो यार। इलायची के पापा को बिना बताए तुम दोनों ने शादी की है, भले ही कारण कुछ भी हो, लेकिन इलायची के पापा की नजर में वो जुर्म ही है। पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। मम्मी हम तो पापा को सब बताने वाले थे ना, अब देखो ना इतनी गड़बड़ हो गई है, पता नहीं सच को किस तरीके से लेंगे पापा। इलायची मैं अभी भी कह रही हूँ बेटा, तुम दोनों भाग जाओ, तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम लोग नहीं जानते हो। मम्मी मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ और हमने यहाँ कोई पाप नहीं किया है, पापा को हमें अपनाना ही होगा, भले ही थोड़ी देर से ही सही। अरे भैया सेठ जी के दिमाग में बहुत जासूसी चल रही है इस समय। आज तो पूरा प्लान था उनका रंगे हाथ पकड़ने का, बच गए जैसे तैसे। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ज्यादा दिन तक ये सच्चाई छुपने वाली ना, पता अब चल ही जाएगा। ये पिंटू सही कह रही है आंटी जी। हाँ सही कह रहा है। हाँ मम्मी मैं जानती हूँ कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार के विश्वास के साथ मैं ये सच्चाई उनके सामने रख दूंगी, फिर उनका चाहे जो फैसला हो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। ये जीजा, ये गली के नुक्कड़ पे हमें को बुलाया, क्या बात है? इस घर में बात ना कर सकता था, इसलिए मुझे ना तेरी मदद चाहिए। अरे तू उस दिन कह रहा था ना मुझसे कि मिसेस पंचम और वो टंटन के बीच जो झगड़ा होता रहता है, सही कह रहा था तू। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें, पहुंच सकता हूँ कैसे? सुन दोनों लोग ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मिसेस पंचम और टंटन के बीच जो झगड़े का कारण है वो शायद इलायची है। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे इलायची माना कि तीली लगाने में मास्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन दोनों को झगड़ा लगवाएगी। ये सुन तो, सुना तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो टंटन है ना, वो भी इलायची पे लट्टू हो रखा है, इसी वजह से मिसेस पंचम के साथ अनबन हो रही है उसकी। अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी इलायची पे नजर डालेगा? अरे काट के फेंक दूंगा मैं उसे, जानता ना वो मुझे अच्छी तरीके से। मैं सुन तो मेरी पूरी बात, मुझे तो लग रहा है कि हमारी इलायची भी उस टंटन पे फिदा है। बस एक बार पक्का सबूत मिल जाए फिर देखेंगे कि क्या करना है। और सुन, जैसा मैं कहूँ वैसा करियो। इधर क्या कर रहे हो यार, किसी के दूध बदतमीजी है, गलत बात कर रहे हो यार तुम। तू समझ ले पहले बस, ठीक है? सफाई ना जंग के लिए तैयार है, बहुत जल्द दुश्मन की गर्दन तुम्हारे कदमों में होगी जीजा। नाटक करने की जरूरत ना है बस। धन धन सेठ जी पंचम, अब तो तुझे धन धन कहना चाहिए, क्योंकि ये धन भी तेरा है। ये धन हमारा सेठ जी? हाँ। पर क्यों? एक सेकंड, क्या आप हमें नौकरी से निकाल रहे हैं? कैसी बातें कर रहा है? तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा? अरे रख ले, ना निकाल लिया तुझे नौकरी से। पर सेठ जी इतना प्यार, कैसी बातें कर रहा है? 2 साल तूने मेरे यहाँ नौकरी की, इतना सारा जो है मेरा मुनाफा करवा के दिया, तो मेरा फर्ज ना बनता है कि मैं तुझे कुछ दूं? आप नहीं सेठ जी, उसके लिए आपका आशीर्वादी कैफिये है, ये हमें नहीं चाहिए। पापा क्यों बोला आप? ले तू ले लीजिए 500 रुपए मेरे लिए। लॉटरी लगी आपकी। अब देख वैसे भी तू बीच बीच में आके मेरा गल्ला खाली कर देती है, तो मैंने सोचा मैं ही तुझे कुछ दे दूं। अब 3 महीना का एडवांस दे दे, 3 महीने तक गल्ला मत छुइयो, बता रहा हूं मैं। है एडवांस पॉकेट मनी? हां चल ले तू भी ले ले ये। और आज तेरी छुट्टी है। पर सेठ जी। पापा वो मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है आज। अरे कैसी बातें कर रही है, पढ़ाई करने का मन हो ना हो लेकिन घूमने का तो तेरा मन हमेशा रहता है। नहीं आज मुझे पढ़ाई करनी है, फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, इसलिए पढ़ूंगी मैं। ले देखो पूरे साल तो तूने पढ़ाई की ना, अब 10 दिन पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ, तू कहीं घूम के आओ बाहर तो तेरा जो है मन भी ताजा हो जाएगा, दिमाग भी ताजा हो जाएगा। तू रख तो अर्सन, पैसे उड़ाने का अपना ही मजा है। सेठ जी मेरा हुक्म है, बस बिल्कुल नानुकुर मत कर। थैंक यू बाबा। जा जा, अबे तू भी जा, कोई उड़न तश्तरी ना बुलाऊंगा तुझे यहाँ से ले जाने के लिए। नहीं सही है सर जी। हाँ जा। उड़ाइयो नोट ऐसे ना, ऐसे ना ना ना, अच्छी तरह से है। एक और अरे उठा ना। हाँ सुन कटंकी, वो दोनों लोग निकल गए हैं समझ रहा? अब जैसा मैंने कहा वैसा करियो, और सुन रंगे हाथों पकड़ लियो दोनों को। हाँ ठीक है, चल 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 कर। हेलो जीजा जी। हेलो लाइसी जी। जीजा जी किधर हैं आप? हम बस आपके आसपास ही हैं। जीजा जी आई एम सो एक्साइटेड, पापा ने हमें खुद घूमने के लिए भेजा है, चलिए ना कनॉट प्लेस चलते हैं। क्या राशि जी आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक क्यों करूंगी, आपके और मेरे मिला के ना पूरे 1000 रुपए हमारे पास, पता है कितने अच्छे से शॉपिंग हो पाएगी। जल्दी बताइए किधर है, मैं आ जाती हूँ। नहीं राशि जी आप यहाँ पर नहीं आ सकती, आप समझने की कोशिश करिए यार, सेठ जी गेम खेल रहे हैं, उनकी महाचाल है और हम इसमें फंस नहीं सकते हैं, आप समझ रहे हैं? अगर उन्होंने हमें आपके साथ देख लिया ना तो लाइसी जी इस गेम से आउट हो जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहे हो, पापा ना दुकान में काम करें, बहानेबाजी मत करो, बताओ किधर हो, मैं आ रही हूँ भी। अरे नहीं लाइसी जी प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इस समय मत आइए हमसे मिलने, हम बता रहे हैं कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा होगा यार, ये सेठ जी की चाल है। ये सब आपके बहाने हैं, मुझे कोई नहीं दिख रहा अपने आस पास, प्लीज डोंट इरिटेट नाउ, बताओ किधर हो आप। इलायची जी हमारा विश्वास करिए, हम देख सकते हैं सेठ जी गेम। वो देखिए आपके पीछे, देखिए पीछे, देखिए वो टोपी वाला चटांगी मामा, पीछे मत मुड़िए सामने आइए। देखा 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 आप ही को देख रहा है। ओह माय गॉड, पापा तो मुझसे भी ज्यादा बड़े वाले जासूस निकले। वही तो इलायची जी, ये चटांगी मामा को कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है लाइसी जी, हमसे दूरी बना के रखिए, थोड़ी देर में वो खुद चले जाएंगे। मैं अपनी मामा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उतनी आसानी से नहीं जाने वाले, लेकिन मुझे भी पता है कि इनको कैसे भगाना है। रुको सुनिए इलायची। भैया वो जो पीछे आदमी है ना काले कपड़ों में, मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहा है और छेड़ रहा है। I'm truly scared. Please help me, भैया। मैडम आप टेंशन मत लो, हम अभी देखते हैं। अरे भाई लोगों आ जाओ। अबे लड़की को छेड़ता है। अपनी भांजी को छेड़ूंगा, फालतू की बातें कर रहा है, मुझे मार रहा है, पढ़ दूंगा 2 मिनट में। शतरंगी मामा, ये मामा है मेरे। मामा? हाँ। सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉल्व लाइट। चलो यार अपने काम करो यार, फालतू का आदमी। नहीं तो क्या हुआ मामा, अब ऐसे मुंह ढक के क्यों खड़े थे? यहाँ पे पिट गए ना? अरे वो क्या ना, दिल्ली में बहुत वायरल चल रहा है ना इलायची बेटा, इसके चक्कर में उड़ के चल रहा था। चलो फिर आँखो, चलो चलो। अरे अरे मेरा भैया, अरे क्या कर रही है? इतनी जोर से क्यों लगा रही है गर्दन पे? आग लग रही है, हल्के हल्के लगाना। हाँ। इतनी जोर से चोट लगी है मेरे। अबे क्या हो गया? जीजा मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे अपनी गली में हमें चलना महंगा पड़ गया। हमारी खुद की भांजी ने हमारी कुटाई करवा दी। तुमसे क्या बताया यार मेरे? क्या करे आई है? अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपकी दुकान से बिट्टू हलवाई की दुकान तक जा रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, थोड़ा डर गई और साथ वाले भैया को मैंने बोला कि यू नो मुझे डर लग रहा है, तो वो और कुछ और लोगों ने मिलके इनकी कुटाई कर दी। कुटाई कह रही है तू? है हमारी चटनी बना दी गई और तू अरे बता लगा भाई। लेकिन तुझे ये क्यों लगा कि कोई तेरा पीछा कर रहा है? पापा गली में आए दिन लफंगे घूमते रहते हैं और हाँ। कोई भी पीछा कर सकता है आपका, इसलिए प्लीज मैं चांस नहीं लेती हूँ, मैं बहुत चौकन्ना होके चलती हूँ। प्लीज छटंगे भैया, तुम्हें क्या जरूरत थी गली में घूमने की? एक तो ऊपर वाले ने शक्ल ही ऐसी दी है कि कोई भी बिना कुछ किए पीट दे। जीजी, एक तो गली के अंदर हमारी चार लोगों ने धुनाई कर दी, ऊपर से तू ताने मार रही है अपने भैया को, शक्ल के लिए बोल रही है, बातें कर रही है। लगा ऊपर से मुंह भी छुपा रखा था मफलर से, तो गुंडे ही लग रहे थे एकदम। वैसे किससे छुप रहे थे आप? अरे कोई लेनदार होगा इसका, है ना? लेनदार ही था, इसको वॉच करने के लिए पैसे दिए थे ना, तो 1000 रुपए देना है इसको। ला दे दे, दे दे जल्दी यार, हमारा टाइम ना छटन के बाद यार। अरे एक मिनट रुक, निकाल निकाल ले। सॉरी मेरी कमीशन। अबे चल, इस बार तो ये बच के निकल ली और मुझे खुद मामले को हाथ में लेना है, फिर देखता हूँ आखिर तेरा ही बाप हूँ। आप ही की बेटी हूँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी आपकी वजह से। और सेठ जी क्या कर रहे हो? बकरी को बिस्किट खिला रहा हूँ। अरे सेठ जी ये बकरी नहीं कुत्ता है। तो जो दिख रहा है तो क्यों पूछ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। सॉरी सेठ जी। मैं क्या कह रहा था, मुझे ना तुझसे काम है। हाँ। देख अब इलायची की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब मेरे सर पे जो जिम्मेदारी है मैं सोच रहा हूँ उसे भी पूरा कर दूं। सेठ जी कौन सी जिम्मेदारी? शादी की जिम्मेदारी। अब लड़की बड़ी हो गई है, पूरी जिंदगी घर थोड़ा ही बिठा कर रखूंगा उसे। अच्छा तो आपने इलायची जी के लिए लड़का ढूंढ लिया सेठ जी? कैसी बातें कर रहे हैं, ढूंढ लिया है? अकेले ढूंढ लूंगा मैं? अरे तू मेरे घर का सदस्य है ना, तू भी तो राशन खाता है मेरे घर का। जी सेठ जी, हम अपने राशन का कर्ज जरूर चुकाएंगे। तो बढ़िया सा लड़का ढूंढ दे सेठ जी, अभी जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अभी जाए? अरे समझ रहा है, पूछ तो ले कैसा लड़का चाहिए। सॉरी सेठ जी, कैसा लड़का चाहिए? हाँ उसके लिए मुझे लड़का चाहिए, देख खानदानी हूँ। अच्छा। और अपना खानदानी कोई बिजनेस हो उनका, लड़का जो है विदेश से पढ़ के आया हो, उसके अलावा बहुत गोरा ना हो तो भी चलेगा, और हाइट ज्यादा ना हो, कम हो। अच्छा हाइट कम हो, 5'6" चलेगी सेठ? हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया। आप वैसे सेठ जी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस योग्य समझा। हम एकदम दिल से इलायची जी के लिए लड़का ढूंढेंगे सेठ जी। सेठ जी बल्कि हमने सुना है कि साउथ दिल्ली में ना बहुत अच्छे लौंडे मिलते हैं। मैं तो भाग खराब है, लौंडे मिलते हैं क्या खरीद के लाएगा उन्हें? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि सेठ जी अमीर लौंडे मिलते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो सेठ जी हमें आप बस 1 हफ्ता दीजिए, हम ना अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, किसी ना किसी को तो फांसी लेंगे। अच्छा एक बार होता, मतलब तू ये काम अपने मन से करेगा, तुझे कोई दुख ना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, हम एकदम खुशी खुशी करेंगे। अच्छा नहीं, अब मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इलायची जो है इस घर से चली जाएगी, तो वो जाएगी तो तुझे मतलब बुरा ना लगेगा? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, इलायची जी को तो एक ना एक दिन ये घर छोड़ के जाना ही है ना। वैसे सेठ जी हम आपसे वादा करना चाहते हैं कि हम तन मन और धन की मुझसे कोई उम्मीद मत करियो तुम। हाँ नहीं नहीं, हमें पता है कि हम आपसे धन की उम्मीद नहीं कर सकते सेठ जी, हम तन और मन से इलायची जी के लिए लड़का ढूंढेंगे, आप बेफिक्र रहिए। और सेठ जी हमें ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है। हाँ क्या सोच रही है? सोच नहीं रही, सुन्नू से चैट कर रही हूँ। अच्छा क्या काम है? तेरी तरह ना हो कि बगैर काम के ना आ सकता। Really? हाँ। मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं। तू तो फिश है, ना जाने कब हाथ से फिसल जाए। ये इतना गंदा पीजे। मेरा मतलब पूरा जोक पापा। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था कि मैं तेरे पास किसी काम से आया था। ओह देखा ना, काम से आए थे ना। हो तो आखिर मेरे पापा ही ना। बोलो क्या काम है? बस मेरा काम ऐसा है कि जितना जल्दी निपट जाए तो बस मैं फारिग हो जाऊं। अच्छा फारिग हो के आपको कहाँ से हिमालय पर्वत पे सन्यास लेने जाना है? अरे हिमालय पे ना जाना है, सुन ध्यान से सुनियो। मैं ये कहने आया हूँ कि एक बहुत अच्छे घर से ना तेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता मेरे लिए? हाँ। ये कैसी बात हुई? स्कूल में हूँ अभी भी मैं, मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है अभी तक और मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे कर सकते हैं? सो इनसेंसिटिव पापा, शादी नहीं कर सकती हूँ मैं। अच्छा तुझे अपनी 12वीं पास करने की तो पड़ी ना है, और मुहूर्त जो है ज्यों का त्यों वही पड़ा हुआ है, अटका हुआ एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ भैया जितना जल्दी हो अपना काम निपटाऊं। पापा ये शादी रिश्ते इन सब चक्रों से मुझे दूर रहना है अभी। मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहती। और पिछले 2 साल से अजीब अजीब रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। अरे लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है, पता है तुझे? जो लड़का है ना उसके बाप का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर का काम है, समझ ले। और छतरपुर में बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और साकेत में ना 3000 गज का जो है वो बहुत बड़ा बंगला है, कोठी एकदम। और लंदन से पढ़ाई करके आया है और दिखने में एकदम फिल्मी हीरो। लंदन से पढ़ाई करके आया? यानी कि लंदन वाला है, शादी के बाद मुझे लंदन ले जाने के लिए बोलेगा? नहीं मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। नो कैसी बातें कर रही है तू? लंदन से तो पढ़ के आया है, सेटल यहीं पे, समझ रही है? अरे तू बात तो समझ, है ना? कारोबार के लिए जाता है वो तो विदेश कभी कभी, इस बार तू भी तो विदेश घूमेगी। नहीं नहीं पापा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अपने बूते पे कुछ करता हो, ना कि ऐसे बाप के पैसों पे अयाशियां उड़ा रहा हो इसकी तरह। खा गई गच्चा तू, खा गई। एकदम साफ साफ गच्चा खा गई। अरे अपने बाप के बूते पे ना कर रहा है वो, समझ रही है? अपना कारोबार उसने खुद अपने बूते पे खड़ा किया है, और उसने अपने बिल्कुल बाप की कोठी के बराबर जो कोठी खरीदी है उसमें 1 रुपया ना लिया उसने अपने बाप से। ओह माय गॉड, इन सब ने आपने एक बात नोटिस की क्या? कि लड़का अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, प्यार नहीं करता। क्यों? अपने माँ बाप को छोड़ के अकेला दूसरे घर में कैसे रह सकता है? बेशरम आदमी। किसने कहा तुझसे कि वो अलग रह रहा है? उसने जो कोठी खरीदी है वो तो इन्वेस्टमेंट है, रह बेटा अपने माँ बाप के साथ ही रहा है। लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सही। पर मेरा मन मालूम है क्या है, एक बार तू लड़के से मिल ले। नहीं मुझे शादी नहीं करनी और ये फाइनल है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मूड खराब कर दिया सारा मेरा। मैं जा रही हूँ। जीजा जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। क्या? कब? अभी। वो लड़का बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, लंदन से पढ़ के आया है, यू नो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, मोटी पार्टी, और उनको भी मैं बहुत पसंद हूँ। अच्छा मतलब ये है कि आपके होने वाले पति में वो सब गुण है जो आपके हो चुके पति में नहीं है। अबे बकवास बंद करेगा। जीजा जी पापा मुझसे सीरियसली ये सारी बातें करे थे और बहुत एक्साइटेड भी थे वो। जीजा जी पापा फुल स्पीड में तैयारी करे मेरी शादी की, लेकिन मैंने उनसे ना कह दी है। आपने ना कर दी? इलायची जी आपको हाँ बोलना चाहिए था। जीजा जी आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं किसी और लड़के के लिए हाँ क्यों कहूंगी? इलायची जी आप चिंता मत करिए, ये सेठ जी की शातिर चाल है, वो बेवकूफ बना रहे, उल्लू बना रहे हैं आपका, ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है ऐसे कोई लड़के का मेरे लिए रिश्ता आ ही नहीं सकता? हाउ मीन। ये क्या बोल रहे हैं इलायची जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, आप तो हमारी राजकुमारी हैं, आपके लिए ऐसे करोड़ों रिश्ते आ सकते हैं, पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेठ जी अपनी गेम खेल रहे हैं। यार वो आपके पापा हैं। पहली बार आपकी बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है, क्या कहना चाहते हैं? हम आपको समझाते हैं। थोड़ी देर पहले हमें सेठ जी ने जिम्मेदारी दी कि हम आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे। अब ये अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए? विदेश में पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेस फैमिली का होना चाहिए, अच्छे परिवार का होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब आप ही बताइए एलआईसी जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी, इतनी जल्दी ये लड़का आया कहाँ से? ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सेठ जी की चाल है, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अरे यार सेठ जी बहुत बड़े वाले चंट हैं, बिना बंदूक के गोली चलाए पड़े। हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सच में कोई लड़का हुआ जिससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है तो? नहीं 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 एलआईसी जी, हम आपको गारंटी दे सकते हैं। इस समय सेठ जी हमारी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रही हैं? तभी तो उन्होंने जब हमें जिम्मेदारी दी ना आपके लिए लड़का देखने की, तो हमने खुशी खुशी हाँ कर दिया और उनके चेहरे से सारी खुशी उड़ गई थी। सच में एलआईसी जी, हम तभी समझ गए थे। हाँ यार नीलू, क्योंकि अगर वाकई में इतना अच्छा रिश्ता आया होता ना तो अंकल जी शांत नहीं रहते, गली में ना ढिंडोरा पीट रहे होते। तो बता, इतना अच्छा रिश्ता को शो ऑफ ना करे, हो सकता है कभी? एलआईसी जी आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको अपने से दूर थोड़ी ना होने देंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं जीजा जी। आप बस शादी के लिए बेझिझक हाँ कर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। आई लव यू। लव यू टू।